और ये निर्णय भारी मन से हम ले रहे हैं कि कल ठीक 12 बजे रेलवे ट्रैक जाम करा जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस पर? फिर आपने मैं अपने बच्चों की कसम देकर कहूं हूं कि धोखा ना करो, ये अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई है और ये कमेटी अपने बच्चों की कसम खा के कहे है कि जब गोली लगेगी पहली गोली इस कमेटी के मेंबरों को लगेगी। नरवाना में बिजली कर्मियों से विवाद के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले सुरेश कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए ग्रामीणों ने अपने बच्चों की कसम खाकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा सुरेश के शव को सड़क पर रखकर पिछले 3 दिनों से नरवाना टोहाना मार्ग जाम किया गया है। ग्रामीण लगातार आरोपी बिजली कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की नजरअंदाजी के चलते अब ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। धरने के मंच से आज भरी पंचायत में ऐलान किया गया कि कल 18 फरवरी को 12 बजे दिल्ली भटिंडा रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा और इस दौरान गोली भी चली तो भी हंसते हंसते सीने पर खाएंगे। आज वो न्याय की घड़ी आपके बीच में आ चुकी है। आपसे फिर मैं जोर लेकर के अपील करो हूं कि अपनी नस्ल को बचाने के लिए हमने किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। आपने कमेटी पे विश्वास किया और ये कमेटी अपने बच्चों की कसम खा के कहे है कि जब गोली लगेगी पहली गोली इस कमेटी के मेंबरों को लगेगी। आपसे ये भी अनुरोध है कि आप अपने सभी खापों में सभी सगार प्यारों में मैसेज कर दियो, जो निर्णय होगा उस पे तड़का ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। और ये निर्णय भारी मन से हम ले रहे हैं कि कल ठीक 12 बजे रेलवे ट्रैक जाम करा जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस पर? फिर आपने मैं अपने बच्चों की कसम देकर कहूं हूं कि धोखा ना करो, ये अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई है। ना तो आजकल सुरेश पे गुजरी है, तड़का आप पे गुजरेगी, कल ना आपके बच्चे अनाथ होंगे। इससे पहले हम ट्रैक जाम करा, पहले यही इकट्ठे होंगे, यहाँ इकट्ठे होकर के जुलूस का रूप में जाएंगे। आप सबने अपने अपने सगैर प्यारा में अपनी खापा में जो खाप नहीं पहुंच सकी, जो संगठन नहीं पहुंच सके, उनको मैसेज कर दो कि कल ठीक 12 बजे हम रेलवे ट्रैक पर पहुंचेंगे और अंजाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। ये भी हम प्रशासन को कहना चाहते हैं, जो चलानी है तो उसी गोली तरह चलानी है। पहला चला दिया, हमारा एक भाई शहीद कर दिया, और कितने शहीद करेंगे देख लेंगे इनकी। तो आपसे यही अनुरोध है, कल ठीक 12 बजे पहले सवेरा उड़ा आना है, दमता एंड गांव 9 बजे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी खाप और संगठन है वो भी 10 बजे तक यहाँ पहुंचे और हम यहाँ जुलूस के रूप में जाएंगे। बता दें कि 13 फरवरी को धमतान साहिब गांव में बिजली विभाग की टीम ने रेड की थी, जिसमें ग्रामीणों व बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई थी। इस झड़प के बाद बिजली विभाग की टीम ने गांव के दर्जन भर से ज्यादा नामजद लोगों समेत 60 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। वहीं गांव की महिलाओं ने भी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की भी शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की, जिससे आहत होकर 52 वर्षीय सुरेश ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे में अब ग्रामीणों ने एकजुट होकर सुरेश को इंसाफ दिलाने की ठान ली है, जिसके लिए ग्रामीणों ने आज अपने बच्चों की कसम खाते हुए ये ऐलान किया कि कल रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और अगर इस दौरान पुलिस ने गोली भी चलाई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।